अभी आपने थोड़ी देर पहले एक पोस्टर जलाया आसिम रियाज का, सो उसके बारे में क्यों आपने ये पोस्टर जलाया और किस वजह से ये पोस्टर जलाया आपने? देखिए, मैं अपने ऑलमोस्ट जितने इंटरव्यूज़ मेरे अभी तक हुए हैं, मैं सब में ऑलरेडी पहले से बोल चुका हूँ, अभी फिर आपको बताता हूँ कि आसिम रियाज और उमर रियाज दोनों भाई चोर हैं, और एक चोर अभी घर के अंदर है और एक चोर अभी घर के बाहर है। सो जो बाहर चोर है उसको मैं उसके सामने इसलिए बार बार मैं आ रहा हूँ कि वो क्यों फैज़ान अंसारी से डर रहा है, फैज़ान अंसारी के सामने से वो क्यों ऐसे भाग रहा है, जबकि फैज़ान अंसारी बार बार उसके सामने आके बोल रहा है कि तुमने गलती करी है, तुम्हें वो एक्सेप्ट करना है। और मुंबई पुलिस को भी बार बार मैं बता रहा हूँ, जो मुंबई पुलिस मेरे साथ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रही है। ओके, सो आपने उमर रियाज को चोर कहा, ये गंभीर आरोप आप उमर रियाज पर लगा रहे हो, क्यों ये आरोप लगा रहे हो उमर रियाज? उमर रियाज चोर हैं, मैं पहले भी कहा अभी भी कहा है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से बाप से भी डरता नहीं हूँ। आसिम रियाज भी चोर हैं, आज ये बात बॉम्बे में कह रहा हूँ। ऑलरेडी सौरभ भाई पटेल जो बिग बॉस 12 में कंटेस्टेंट है, सौरभ भाई ने नागपुर में अभी कहा है कि आसिम रियाज को के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, वो भी फैज़ान अंसारी के साथ खड़े हैं। थैंक यू सौरभ भाई। सो ऐसे काफ़ी लोग अभी मेरे सपोर्ट में आ रहे हैं, भोपाल में लोग बोल रहे हैं, नागपुर में बोल रहे हैं, बैंगलोर में बोल रहे हैं। सो ये अभी प्रोटेस्ट कंटिन्यूसली मैं करता रहूँगा जब तक इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन मुंबई पुलिस नहीं लेगा। ओके, सो आपने कोई लीगल एक्शन लिया, कोई मुंबई पुलिस में इधर कार्रवाई की आपने? यस, मेरे लॉयर कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहे हैं मुंबई पुलिस के साथ, पूरी ऑलरेडी कंप्लेन हो चुकी है, मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है, और आप लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लें, मुझे जब भी बुलाएं मैं आके सबके सामने ये कहना चाहता हूँ, जो इन लोगों ने धोखेबाजी की है, ये लोग 420 जो भी केसेस कर रहे हैं, ये लोग ऑलरेडी फ्रॉड लोग हैं। ओके, सो आपने जैसा मुझे कहा कि मुंबई पुलिस से आपने लीगल नोटिस किया है, तो मुंबई पुलिस का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? मुंबई पुलिस तो मुझे कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं, मेरे साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं, जब भी उनको कॉल कर रहा हूँ वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इनको सामने आना चाहिए। बट आसिम रियाज क्यों भाग रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, आसिम रियाज फैज़ान अंसारी से क्यों भाग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फैज़ान अंसारी सच्चा है, आप लोगों के सामने है, जब भी आप लोग बुलाएंगे मैं कभी भी कहीं भी आ जाऊंगा, ट्रैवल करता रहूं या कुछ भी करता रहूं जब भी आऊंगा, बट आसिम रियाज को सामने आना पड़ेगा क्योंकि अभी वो घर के बाहर है। सो एक चोर घर के अंदर है, एक चोर घर के बाहर है। सो जो बड़ा चोर है मैं चाहता हूं वो सामने आए, आसिम रियाज और फैज़ान अंसारी का सामना करें। ओके, सो आपने कोई आसिम रियाज को एक लीगल लेटर या फिर कोई मैसेज या व्हाट्सएप से कॉल करने की? कॉल पे बात हुई है, उनके लोगों से भी मैं बराबर कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, उनको मैसेज भी गए हैं सब कुछ, बट वो देखिए जो इंसान गलत होता है वो कभी भी सामने नहीं आता है, वो उस चीज़ से भागता है। सो सेम अभी आसिम रियाज के साथ वही हो रहा है, वो गलत हैं, वो चोर हैं, वो धोखेबाज लोग हैं, इसलिए वो भाग रहा है। मैं हर वक्त आप लोगों के सामने आ रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चा हूँ। ओके, सो लास्ट टाइम आपने कब कॉन्टेक्ट किया था आसिम रियाज को? 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो भी उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स दिया कि मैं बाहर हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ, व्हाटएवर जो भी है, पूरी डिटेल्स मुंबई पुलिस के पास ऑलरेडी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आसिम रियाज और उमर रियाज का सपोर्ट करेगा तो फैज़ान अंसारी उनके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करेगा। फैज़ान अंसारी किसी से नहीं डरता है, वो बॉलीवुड हो, बॉम्बे हो, कोई भी हो, तो मैं ज़रूर उसके लिए प्रोटेस्ट करूँगा, हमेशा प्रोटेस्ट करूँगा। ओके, क्या आपको लगता है कि आसिम रियाज आपको इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं है उनकी कि फैज़ान अंसारी को इग्नोर कर सकें। एक्चुअली वो डर रहे हैं और भाग रहे हैं फैज़ान अंसारी से कि सच्चाई का सामना कैसे करें। सो ब्रो, ये एक्चुअली जो सिचुएशन अभी है वो ये है कि वो लोग भाग रहे हैं सच्चाई से कि सच का सामने कैसे करें। फैज़ान अंसारी सच है, फैज़ान अंसारी एक प्रूफ है, फैज़ान अंसारी के पास सब कुछ है, इसलिए वो लोग भाग रहे हैं और वो फेस नहीं कर पा रहे फैज़ान अंसारी को, ये एक्चुअली बात है। ओके, सो लास्टली आपका अगला स्टेप क्या होने वाला? अगला स्टेप मेरा बस ये है कि उनके अगेंस्ट मुंबई पुलिस स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, उनको अरेस्ट करे, उनको कोर्ट लेके आए, उनको जेल भेजे, मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ, मैं कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।